ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई है हम सबकी सुबह एंड जो है अभी सारे यहीं पे बैठे हुए, बच्चे बच्चे घर की सफाई चल रही है तो अभी इनको बेड पे घुमा रहे हैं। सो गाइस अम्मा को मैंने बोला बच्चों से इंग्लिश में बात करो, अम्मा बात करो इंग्लिश में करो ना। हाँ चलो ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, ये कैसे पूछेगा नाम। चलो इसको बताओ कि आप कौन हो, इसको बताओ कि आप कौन हो। मैं आपकी दादी हूँ, मैं आपकी दादी हूँ। आई एम नेम पुष्पा भाटिया। आई एम नेम पुष्पा भाटिया। मैं आपकी दादी हूँ, माय नेम इज पुष्पा भाटिया। समझे? Well, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मेदाज भाटिया। मोनी मैं भी आज से बच्चों से इंग्लिश में बात करूंगा। हेलो मेरा बच्चा कैसा है, कैसा है? ये इंग्लिश है? ये इंग्लिश वाले लोग ऐसी तो बात करते हैं। इंग्लिश वाले लोग नहीं है। अच्छा मतलब एक्सेंट आ जाता ना। मैं बच्चे ने खाना खाया, मेरे बच्चे ने खाना खाया, तुम कितने बजे सो के उठा था, कितने बजे सो के उठा था। मोनी बच्चे को दूध देना है, बच्चे को दूध देना है। नहीं देना, नहीं देना, देना क्या होता है। आपको कितने मजे आ रहे भाई, आपको भी मजे आ रहे। क्या मांगता तू, क्या मांगता। हम कुछ नहीं मांगता, तीन गुना लगान देना पड़ेगा। तुम खाना मांगता। तो अम्मा इंग्लिश में बात करनी है इनको। क्या बोलूं? What do you want? बोलो। ये मुझे जवाब तो देती पूछ। ये जवाब देने लायक है अभी? दे तो रहा है जवाब। क्या पूछ रहा था कोई? क्या 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 खाना क्या क्या कौन पूछ रहा था? अरे बात तो बताओ। अरे ढंग से बताओ, आवाज नहीं समझ आ रही। अंग्रेज कहाँ आया था? नहीं था। दुकान पे उनको लेटरिन जो जाना था। गड्डी मांग। गड्डी मांग। कब की बात है ये? ये पापा बताएंगे। सो गाइस ये स्टोरी मैं बताता हूँ। हमारी पहले ना शॉप थी बिल्कुल इधर मेन रोड पे, तो कोई ट्रैवलर होंगे कोई बाहर के, तो दद्दू को इंग्लिश का इतना थोड़ा सा था नहीं, तो वो आए तो बोले कि हमको वॉशरूम टॉयलेट टॉयलेट बोल रहे होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। तो दद्दू बोले क्या मांगता, क्या मांगता, वो परेशान होगा, उसको तो पोटी आ रही थी। तो बोला हमको टाटी मांगता, टाटी। बाबू झूले पे कौन बैठती थी? आ जाओ झूला झूल जाओ। बाबू रोने से कुछ भी नहीं होगा। आपको पता ही क्यों रो रहे हैं? उनको बाहर जाना है। खाना आ रहा है आपका अभी। बिना आंसू वाला रोना देखा कभी आपने? ये देखो नकली वाला रोना है ये सारा। अभी गेट खोल दूंगा सही हो जाएंगे। अभी ये रोना अभी देखो, अभी बंद करता हूँ। चलो चलो आओ बाहर चलेंगे, चलो चलो ना। देखना इन दोनों का, इन दोनों का रोना देखना कितनी जल्दी बंद होता है। अभी देखो चलो, देख रहे हो इंटेंसिटी कम हो गई ना। अभी देखो देखो शांत, हंसी आ जाएगी। अब कौन आएगी? पापा बच कौन आएगी? खुश है? अब खुश है? डन टर टर। गैंग लेके चलता हूँ। तो मेरी गैंग कहाँ मुड़ गई? खाने में तू इतना लेट कर रही, बच्चों के बच्चे खुद आ गए खाना खाने।
सो गाइस अभी मैं मोनी जा रहे हैं थोड़ा मार्केट काम करने। मोनी हेलमेट पकड़ ले। नहीं पहन ले। अरे पहन, अरे मैं ये अब आगे कोने पे खड़ी है, पुलिस तो पहन ले अभी तो पकड़ना नहीं है ना, इसलिए कह रही है पकड़ एक मिनट। मोनी अगर तू हंसी मुझे देख के हंस मत। एक तो तू गोल गोल ऊपर ऊपर से हेलमेट भी गोल है, तो हेलमेट गोल ही होते हैं। मैं वो नहीं लग रहा हूँ जोमेटो राइडर। कितना कमा लेते हो, कमा लेते हो। आगे मेन शहर वाले इलाके में, शहर बोलते हो ना तुम लोग इसको, तो फुल ऑन लोकल मार्केट वाली फील आ रही है और मस्त वो रमजान वाली रौनक चल रही है। कहाँ को आ गए यार, कौन सी गली में जा रहे हैं भाई? बढ़िया जगह पे जा रहे हो। बड़ी ये रामपुर की है गलियाँ, ये देख रहे हो बर्तन, ये बड़ा खजाना है रामपुर का तगड़ा वाला। ये पीतल नगरी, ये देखो पीतल के बर्तन, बड़े बड़े ढेर देख लो इधर को। ये देख, देखो ये देख, ये बहुत तगड़ा खजाना। इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो लोग अपना उसके लिए सामान लेके जा रहे हैं। आप फसा दिए यार, भसड़ हो गई भसड़। अरे यार तुमने फसा दिया यार गाड़ी यार। अरे घुमा लो ऐसे को घुमा लो इधर को। हाँ ये हुई ना बात, ये बात भाई रामपुर में जाम लग रही है रामपुर में। तू लाए थे बेकार, तूने कौन सी गाड़ी फंसा दिया। फाइनली यार निकले भाई, ठीक है साइड हो लो। साइड को सो गाइस कुर्ते लेने आए हैं बच्चों के लिए होली के, वाइट कुर्ते, क्योंकि इस टाइम पे कुर्तों की ना वैरायटी देख लो आप, रंग देख लो सब जबरदस्त। ये कुर्ते कितने शानदार आ रखे हैं। थोड़ा मोमोज खाने और शुरू हो गया। इसको ऐसे पानी पीना बड़ा पसंद है भाई, चुल्लू में पानी पीने का जो मजा है ना, लेके जाती क्यों नहीं है? कहीं नहीं है। कहाँ गई थी? मेरे पूरे रोने लग गए उनको देख के। कहाँ गई थी पापा मम्मी? जोनी जोनी आ जा। बैठे आप कितनी देर से खड़े हो? साढ़े चार बजे। अरे रोने क्यों लग गया? बोल देखते किसके पास आएंगे पहले, चलो देखते हैं। दो बच्चों में तो हो ही नहीं सकता, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। आ जाओ, इनको तो इस टायर के साथ मजा आ रहा है। शोनी ये लो टायर, बस एक दो पीस हूँ मैं। यार इसको वहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या आ गए पापा, आ गए पकड़ने पापा। तो गाइस मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अनुराग भाई से मिलने। तो अनुराग भाई को तो आप लोग जानते हो जो मुझे पुराने फॉलो करते हैं, तो उनके साथ मैं मतलब वर्कआउट किया करता था। तो अभी उन्होंने अपना खुद का जिम खोला है यहाँ पे रामपुर में, तो वही देखने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली खोला उन्होंने, शायद एक महीने ही हुए, एक दो महीने ही हुए, तो अभी उनको मुबारकबाद भी देनी है। सो गाइस ये है द मसल जिम, द मसल हब। अरे खड़ी अनुराग भाई की बाइक, अंदर होंगे एक्सरसाइज कर रहे होंगे या करा रहे होंगे। भाई साहब होने वाली है, मारो 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 जल्दी मारो। अरे जबरदस्त, क्या बात है। गुरु जी का ज्ञान चालू है अभी, ये बात। तो भाई जी है देखो, अरे वसीम भाई क्या ले, बहुत बहुत मुबारक हो वसीम भाई। और सही ये बंदा जो है तुम्हारा एक भी ब्लॉग मिस नहीं करता है, एक भी नहीं और एक मिनट का भी नहीं। कर कर के। ओहो ये देखो ये ओहो अरे भाई सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं भाई ने। मस्त यार एरिया इतना सही है ना, मशीन भी अच्छी लग रही हैं यार, मन कर रहा है कि ना एक बढ़िया वर्कआउट मार के चला जाऊं। सो गाइस हो गया बढ़िया वर्कआउट एकदम मस्त, चार पांच मटरियां खा लिया हमने, बहुत मजा आया, बढ़िया लगी थी। बॉडी बिल्डर के लिए ले जा रहे हैं तो थोड़ा सख्त मामला लेके जाए ना, ताकि जॉ लाइन भी बन जाए, है ना। बट गाइस ये देखो, अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ आ जाओ मसल अप जिम में। मेरे को इस रोड का नाम नहीं, ये वो बरेली रोड है ना,
बस ये मोदी से आप बाहर आओगे ना, मोदी स्कूल है ना यहाँ पे, बस ये मेन रोड है और आपको दिख जाएगा यहाँ पे। एंड यार मैं बता रहा हूँ, इतने ऐसे ना पुरानी यादें ऐसे ना, 3 साल पीछे, 3 साल हो गए ना यार अपने को मिले हुए, 2020 में मिले थे, 4 साल हो गए यार, 4 साल कैसे निकल जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता यार। पतले मोटे, पतले मोटे में 4 साल निकल गए और अभी वही बात चल रही है कि आज ये करना है, आज वो करना है, बस कोई नहीं। तो मजा आया यार भाई से मिलके, बहुत टाइम बाद मिले, आओ फिर जल्दी दोबारा, बिल्कुल जल्दी आएंगे। अब गाइस मैं घर आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, बट ये भाऊ जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, इटीटी कर लो भाई। कितने दिन बाद मूवी देखने जा रहे हैं, 2 महीने बाद लास्ट हमने वो एनिमल देखी थी, वो जो आधे लौट के आना पड़ गया। गाइस हमारे यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि 2 मिनट में पहुँच गए थिएटर, 5 मिनट अभी भी है मूवी स्टार्ट होने में। अब पेस्ट है पूरा खाली पड़ा है यार ये तो। सो गाइस तो चालू है, खुश कितनी हो रही है तो, कब से इंतजार कर रही थी यार। ये देखो पूरा खाली पड़ा है। भूतिया मूवी पसंद है तुझे? सही है, खत्म हो गई है मूवी। कैसी लगी? मजेदार थी, मजा आ गया। एक तो इतनी डरावनी पिक्चर देख के आया, ऊपर से बाहर निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता तो देख ले कितना स्पूकी सा लग रहा है। मोनी तो क्या बोलती है, बच्चे उठे होंगे सो रहे होंगे? उठे होंगे, उठे होंगे। चलो मैं बोलता हूँ कि सो रहे होंगे। अब तो ये बता कि तू अपनी बात सच करना चाहती है या मेरी? मुनी तो सो गई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बंद कर, बंद कर। ये क्या है शुरी, ये क्या सीन है, ये रात को कौन लगाई? अरे मैं तो डर गया, ये क्या हुआ, क्या ये क्या सीन है, बाप रे भाई। जो भी इतनी हॉरर मूवी देख के आए, आते ही भाई मशीन कैसे नाच रही थी यार, गिरने वाली थी भाई नीचे, यहाँ से देखो बच्चे भी सो गए हैं, हम भी चलते हैं कैमरा में सोने, और इस वीडियो करता हूँ एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। So with that said, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Tata.